नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। सो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के सबसे क्लोज इन चारों में से कौन सी ऑर्बिट होगी। ठीक है, सो देखते हैं, 5F, 6D, 7S एंड 7P। सो अगर हम N+L वैल्यू निकालें इनकी, तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि SPDF, ठीक है, S में 0 होता है, P में 1, L की वैल्यू बता रही हूँ मैं आपको, D में 2 एंड F में 3। ठीक है, तो इनकी N+L वैल्यू क्या हो जाएगी? 5+3, 8। 6D में क्या हो जाएगा? 6+2, 8। 7S में क्या हो जाएगा? 7+0, 7। एंड 7P में क्या हो जाएगा? 7+1, 8। ठीक है, तो हमने N+L की वैल्यू निकाल के ये पता लग गया हमें कि 7S की जो N+L वैल्यू है वो सबसे कम है, और इनकी जो बाकी जो ऑप्शंस हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी N+L वैल्यू सबसे कम होगी वो ही सबसे ज़्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस से, तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।